हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, रेकॉन ने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें वो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट 2018 के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इन द वीडियो फॉर्मेट। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा दोस्तों सॉइल का Part-2। Part-1 मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपको Part-1 देखना है तो 22 अप्रैल 2018 को जो हमारा वीडियो रिलीज हुआ है उसको देखिए, उसमें मैंने Part-1 सॉल्व कर रखा है। तो मैंने आपको उसमें एक आइडिया दिया था कि टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में और इसका वेटेज जो आ रहा है वो अराउंड 11.35% का है, तो अच्छा वेटेज था दोस्तों। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट पार्ट में, अब मैं आज आपके साथ आगे का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके पहले ए पीस ऑफ एडवाइस कि प्लीज कैलकुलेटर का यूज बंद कर दीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है प्री के अंदर, और जो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है गेट में वो उतना फ्रेंडली नहीं है जितना आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो कोशिश करें कि आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकें, आप अपने दिमाग से कैलकुलेट करें, टेबल्स को अच्छे से याद करें, अप्रोक्सीमेशन करना शुरू कर दी। तो आपको फायदा क्या होगा दोस्तों कि जब आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे तो आपके आंसर गलती होने का एरर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर हमें आता है लेकिन एग्जाम में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए सो डेट कि यू कैन गेट ए बेटर रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 104। ये ए सेट है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वहीं से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर ऑफ सॉइल विथ वॉइड रेशियो ऑफ 1.2। तो देखिए क्या कह रहा है, एक सॉइल है जिसका कि वॉइड रेशियो 1.2 है और ये वॉल्यूम में 30 क्यूबिक मीटर है। इसको आप जब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, हालांकि कॉम्पैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आप इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो इसका वॉइड रेशियो हो जाता है 0.7। तो उन्होंने पूछा है कि उस समय इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो अगर आप फेस डायग्राम देखें सॉइल का तो आपको दो चीजें दिखती है, एक सॉलिड और एक वॉइड्स, जिसमें कि पानी भी है और हवा भी है, उसको हम वॉइड्स कहते हैं, यानी कि VV एंड दिस इज VS एंड द डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो ई इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं दे रखा है और ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब हुआ आपको ये चीज दे रखी है दोस्तों इस केस में, विच इज 30। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगा और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। वो है, मैं दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, तो व्हाट यू गेट, 1 प्लस ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, नाउ दिस पार्ट इज दिस विच इज 30, ई इज गिवन इज 1.2, तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसको, 2.2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई VS, यानी कि इस स्टेज में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 30 डिवाइडेड बाई 2.2, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जब हमने सेकेंड केस में गए हैं जहां पे कि वॉइड रेशियो 0.7 हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉन्स्टेंट है यहां पे और यहां पे, क्योंकि मिट्टी के जो कण हैं, अगर मैं हिंदी में एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो जो मिट्टी के कण हैं वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उसको दबा के वहां से हवा निकाल दी है या पानी निकाल दिया है, व्हाट मे बी द केस, यानी कि सिर्फ वॉइड के साथ छेड़खानी की है आपने, सॉलिड के साथ नहीं की है, यानी कि मिट्टी के कण कह लीजिए या पार्टिकल्स कह लीजिए वो कांस्टेंट हैं इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, यानी कि दोनों में ही VS की वैल्यू कितनी है, 30 डिवाइडेड बाई 2.2 और 30 डिवाइडेड बाई 2.2, यही इस क्वेश्चन का सीक्रेट था। अगर जिस किसी स्टूडेंट को ये सीक्रेट समझ में आ गया वो इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी हो गई दोस्तों, 30 डिवाइडेड बाई 2.2, चाहे यहां पे लें चाहे यहां पे लें।
अब हम इस केस की बात कर लेते हैं. इस केस में हम फॉर्मूला लगा देते हैं यही वाला, 1 प्लस ई इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में निकाल चुका हूं 30 डिवाइडेड बाई 2.2, तो ये मैं यहां पुट कर देता हूं 30 डिवाइडेड बाई 2.2. ई मुझे यहां पे 0.7 दे रखा है तो 1.7 हो गया. तो 1.7 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2.2 इज इक्वल टू वी. तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का और मैंने आपको डेरिवेशन कराया है. बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं आपको और आपको सीधा लिख देते हैं v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e2. बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन वो आपको डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं. रेकॉन सिविल एकेडमी आपको हर चीज का डेराइव करने की कोशिश करती है जिससे कि आपके दिमाग में फिट बैठे. तो इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना था वो ये था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉन्स्टेंट. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको लेस देन 30 सेकेंड लगेंगे ये फॉर्मूला डेराइव करने में. दिस इज The way you should learn civil engineering. तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टोटल कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आप किसी और को अपना कंट्रोल नहीं देना चाहते, अपने हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो रेकॉन प्रोवाइड यू ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन परचेज द वीडियो. अपने लैपटॉप में डाउनलोड करिए और जब मर्जी तब देखिए. दिस इज़ ए वेरी पावरफुल टूल जो कि इंडिया में डाटा कनेक्शन की वजह से संभव हो पाया है. आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, वो समय ख़त्म हो गया जब आपको दूसरे शहरों में जाके पढ़ना पड़ता था बिकॉज डाटा कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी इंडिया में. बट आफ्टर सर्टेन रिवोल्यूशनरी चेंज डाटा इज़ वेरी चीप. आप वीडियो लीजिए, डाउनलोड करिए और देखिए. ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप रेकॉन की वेबसाइट पे जा सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों ये रेकॉन के बारे में. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 23.18, सो अप्रोक्सली 23.2, एंड दिस इज द आंसर. अ गुड क्वेश्चन एंड ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं. ए सॉइल यील्ड्स ए मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन मीटर क्यूब एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 16% ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. वॉट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल इफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ड्राई डेंसिटी दे रखी है विच इज 18 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है 16% और साथ में जी आपको दे रखा है 2.65. आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है लेकिन ई आपको गिवन नहीं है. तो पहला काम होगा ई निकाल लेना. सिंपल फॉर्मूला लगेगा दोस्तों ड्राई डेंसिटी का, विच इज गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. ड्राई डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, जी आपको 2.65 दे रखा है, गामा डब्ल्यू आप 9.8 लेंगे और ये वैल्यू आपको 18 दे रखी है. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन ओनली. 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.65 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 18. तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी. मैं अगेन आपको बोल रहा हूं आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू मिलेगी 0.444. तो आपको ई मिल चुका है. अब आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर. डब्ल्यू की वैल्यू आपको 16% दे रखी है, इसको परसेंट में ही रहने दीजिए क्योंकि डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी परसेंटेज में पूछा गया है. 2.65 इज इक्वल टू ई विच इज 0.44 और एस आर आपको कैलकुलेट करना है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो द वैल्यू यू विल गेट इज इक्वल टू 95.5. सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 95.5. बी इज द आंसर. अ सिंपल प्रॉब्लम लेकिन कैलकुलेशन थी. यहां पे थोड़ा समय लग सकता है आपको कैलकुलेशन करने में. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121. सेट ए का है ये. ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ पैराफिन एंड हैज ए मास ऑफ 460 ग्राम.
It displaced 300 cc of water when immersed in it. The paraffin is peeled off and its mass was found to be 9 gram. If the specific gravity of soil solids and paraffin are 2.65 and 0.9 respectively, the void ratio of soil is nearby. तो देखिए ये एक field test है दोस्तों. Field में अगर आप कहीं जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस soil की density निकालो, तो आप क्या करोगे? आपका ये field है, ये ground है. आपने यहाँ पे गड्ढा खोद के soil निकाल ली. तो ये आपने soil निकाली. अब आप इसका मास तो ले लोगे क्योंकि आपको ड्राई सॉइल बोला गया है. मान लेते हैं आपने कभी गर्मी में गए और सॉइल ड्राई थी. अब आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उसको पानी में डालना पड़ेगा और पानी में जाते ही तो सॉइल पूरी डिजोल्व हो जाएगी. डिजोल्व यानी कि पूरी, डिजोल्व का मतलब पानी के अंदर घुल नहीं जाएगी, पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. तो हम पानी के अंदर तो सॉइल को एज इट इज नहीं डाल सकते. तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने सॉइल यहां से निकाली है उसमें हम एक कोटिंग लगा देंगे. ठीक है, आप वैक्स भी लगा सकते हो. यहां पे पैराफिन एक मटेरियल है जो वाटर प्रूफ होता है. आपने एक कोटिंग कर दी. तो ये कोटिंग क्या करेगी कि इसको सॉइल को डिजोल्व या डिसइंटीग्रेट नहीं होने देगी पानी के अंदर, और आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे. लेकिन आप वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो? सॉइल प्लस जो आपने वैक्स लगाई है या पैराफिन लगाई है. यहाँ पे पैराफिन बोला है तो हम पैराफिन लगा रहे, तो इसका भी वजन और वॉल्यूम दोनों साथ साथ आ जाएगा. कोई बात नहीं. तो देखिए हमको क्या दिया गया है कि हमने सॉइल को यहां से थोड़ा निकाला, ठीक है, और उस पर पैराफिन लगा दी, या वैक्स भी लगा सकते हैं इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए. तो हमने जब इन दोनों इसको लगा दिया चारों तरफ, तो अब हमारा मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ पैराफिन मिलके हो गया 460 ग्राम. ये क्वेश्चन में दिया गया है. और क्या कहा गया है कि जब इस चीज को आपने पानी के अंदर डाला, मान लेते हैं इसको पानी के अंदर डाला आपने, तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ? 300 सीसी. यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन मिलके कितना हुआ? इस पूरे जो एक डला बन गया, ये गोला बन गया जिसको आप बोल सकते हैं, तो 300 सीसी इसका वॉल्यूम आ गया. अब आपको बोला गया है कि आपने जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आपने बहुत ही नाजुक तरीके से पूरा पैराफिन फिर से हटा दिया. तो उस पैराफिन के हटे हुए का आपने मास लिया जो यहां पे लगा था, ठीक है, यहां पैराफिन की जगह आप वैक्स भी लगा सकते थे दोस्तों, तो उसका वेट आया 9 ग्राम. तो आपको दे दिया मास ऑफ पैराफिन इज 9 ग्राम. यानी कि आपने यहां से सॉइल कितनी निकाली? यहां से आपने सॉइल निकाली 460 माइनस 9, यानी कि ये मास ऑफ सॉइल हो गया आपका 451 ग्राम. तो पहली चीज तो आपको मास पता चल गई. अब आपको क्या दिया गया है? जी दिया गया है. जी दिया है पैराफिन का 0.9 और जी दिया है सॉइल का 2.65. अब देखिए पैराफिन का जी दे दिया है, मास आपको पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं. बिकॉज आई कैन राइट वी पी इज नथिंग बट एम पी डिवाइडेड बाई जी पी. बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ये. तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ पैराफिन जो इसके चारों तरफ लगा था इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, वो कितना था? 9 डिवाइडेड बाई 0.9 यानी कि 10 सीसी. 10 सीसी का आपने पैराफिन लगाया था, ठीक है. तो अब मुझे VP मिल गया. तो VS यानी कि ये सॉइल जो मैंने निकाली इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया 300 माइनस 10 यानी कि 290 सीसी. अब सॉइल ड्राई थी तो ड्राई डेंसिटी का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, विच इज जी रो W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E. जी मुझे गिवन है 2.65, सो 2.65 इंटू रो W डिवाइडेड बाई, रो W की वैल्यू 1 रहेगी दोस्तों क्योंकि हम ग्राम पर सीसी में काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस E. ई आपको निकालना है, क्वेश्चन में आपसे ई पूछा गया है. और इसके साथ आपको रो ड्राई निकालने के लिए ये वाला डाटा यूज करना पड़ेगा, यानी कि ड्राई मास विच इज 451 डिवाइडेड बाई 290 विच इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मास. तो अब आपको सब कुछ पता है, सिर्फ ई पता नहीं है. इसको आप ई को सॉल्व कर लीजिए. अगेन इट्स ए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, और आपका आंसर आ जाएगा 0.71.
सो ई की वैल्यू आ गई 0.71। अ गुड क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमारे रेकॉन के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल मिलेगा। वैल्यूज डिफरेंट हैं बट एज इट इज मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ाई करिए, फंडामेंटल को समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन श्योरली सॉल्व होंगे। कीप इंजॉइंग योर इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।